गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ATC ऑटोमेटिक टूल चेंजर के बारे में पढ़ेंगे हम। तो ऑटोमेटिक टूल चेंजर क्या है और व्हाट इज ऑटोमेटिक टूल चेंजर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और 4 मार्क्स में भी आता है ये, ठीक है। एन ऑटोमेटिक टूल चेंजर ऑफ्टन रेफर टू एज एन ATC इज यूज टू इम्प्रूव बोथ द प्रोडक्शन एंड द टूल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल और CNC मशीन टूल। इसके अंदर है क्या कि माय डियर स्टूडेंट्स, जो ATC है, ATC मतलब ऑटोमेटिक टूल चेंज करने का तरीका है, यानी कि ऑटोमेटिक टूल चेंज हो जाएगा CNC मशीन के अंदर, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टोरेंट जो है उसके अंदर मल्टी टूल लगते हैं, एक से ज़्यादा टूल लगते हैं। और जब भी हम कोई प्रोडक्शन पे काम करते हैं तो उसमें क्या होगा, प्रोडक्शन पे काम करने पे हमें बार बार टूल चेंज करना पड़ेगा, तो इसमें टूल चेंज नहीं करना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है टाइम बचेगा, और टाइम बचेगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्शन जो प्रोडक्टिविटी है, यानी कि किसी पार्ट्स को हम बना रहे हैं वो जल्दी बनेगा, ठीक है। और इससे हमारा जब प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मनी बढ़ जाएगी हमारी। तो ATC ऑटोमेटिक टूल चेंजर, ठीक है। अब ऑटोमेटिक टूल चेंजर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, अब हम पढ़ते हैं इसके बाद टाइप्स ऑफ ATC, कितने टाइप के ATC होते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप के ATC होते हैं, नंबर 1 ड्रम टाइप चेंजर, 2 चैन टाइप चेंजर, ठीक है। ड्रम टाइप की थ्योरी क्या है वो देखते हैं। ड्रम टाइप चेंजर आर यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ टूल इज लोअर देन 30, द टूल आर स्टोर्ड ऑन द पेरीफेरी ऑफ द ड्रम। यानी कि आम भाषा में बोले, जो इसके अंदर टूल होते हैं, ड्रम टाइप के अंदर जो टूल होते हैं वो 30 से बिलो होते हैं, यानी कि 30 से कम होंगे, 28 हो सकते हैं, 26 हो सकते हैं, 24 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 17 कितने भी हो सकते हैं, बस 30 से नीचे रहेंगे। और ये जो ड्रम टाइप है, स्टोर्ड ऑन पेरीफेरी, यानी कि ड्रम के चारों तरफ, कैप्सूल टाइप का होता है, उसके चारों तरफ होते हैं, ठीक है, इमेज में आप देख रहे हैं। 2 नंबर पर है चेन टाइप, ठीक है, चेन टाइप चेंजर। इसके अंदर क्या होता है, तो चेन टाइप चेंजर आर यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ टूल इज हायर देन 30, उसके अंदर बिलो था यानी कि लोअर था, इसके अंदर हायर है। द नंबर इज डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो यहाँ पर डिपेंडिंग है, जो मैन्युफैक्चरर है या डिजाइन है उसके बेस पर चेन टाइप में टूल लगते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टूल इज हायर देन 30, 30 से ज़्यादा यहाँ पर टूल लगेंगे, एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, ऐसे होता ना, तो इसमें 30 से ज़्यादा हमारे टूल लगते हैं, ठीक है, जैसे कि हम इमेज में देख रहे हैं। फंक्शन ऑफ ATC, द यूज ऑफ ऑटोमेटिकली चेंजर इंक्रीज द प्रोडक्टिव टाइम एंड रिड्यूस द अनप्रोडक्टिव टाइम टू ए लार्ज एक्सटेंट, इट प्रोवाइड्स द स्टोरेज ऑफ द टूल विच आर रिटर्न्ड automatically to the machine tool after carrying out the required operation, increase the flexibility of the tool of the machine tool, makes it easy to change heavy and large tool, and the permits the automatically renewal of cutting edge। मतलब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जैसे ही ये कहीं पर भी जाकर अपने ऑपरेशन पे कटिंग करता है, एक टूल कहीं पर भी जाके कटिंग करेगा, क्योंकि वो स्टोर्ड है एक पूरे चैन या ड्रम टाइप में, वो कटिंग कर वापिस रिटर्न ऑटोमेटिकली टू द मशीन टूल, यानी कि जहाँ पर वो स्टार्ट हुआ था वापिस वहीं पर आ जाएगा, होम पोजिशन पर वापिस आ जाएगा अपना ऑपरेशन करने के बाद। और जाहिर सी बात है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मशीन टूल, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, ये कितने स्मूथ तरीके से वर्कपीस के पास जाएगा, कटिंग करेगा और इजी वापस आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हैवी या लार्ज, हैवी काम हो या कोई लॉन्ग टूल्स पे काम करना हो हमें, ठीक है, और तो ये अपने आप काम करता रहता है और एक जगह से दूसरी जगह पे ऑटोमेटिकली काम वापस रिटर्न करके आ जाता है, ठीक है। फंक्शन था इसका ऑटोमेटिक टूल चेंजर का, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।